आप ही बहुत मजा आएगा, हम दोनों बहनें एक ही दिन शादी करेंगे, अम्मा के पैसे भी बचेंगे, वो भी खुश, हम भी खुश, कैसा प्लान है? खुदा ना करे तुम्हारी शादी मेरे जैसी हो। क्यों, क्या मतलब, शादी तो शादी होती है। हाँ लेकिन मेरी शादी तो खामोशी से निकाह होगा ना, सादगी से। तुम्हारी शादी तो मैं और बिशप रातन धूमधाम से करेंगे, तुम देखना। वो छोड़े, मुझे ये बताए लड़का कौन है। अब मुझे नहीं मालूम। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? आप ही, मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस बार ना आपने अम्मा की बातों में आके किसी बुड्ढे शुड्ढे से बात पक्की करवा ली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर दिल पे पत्थर रख ही लिया था तो रखे रहने देती, क्या जरूरत थी मुझे कॉल करके यहाँ बुलाने की? शायद भाई मुझ पर बहुत भरोसा करते और मुझे वो एहसास हो गया, मैं जाहिद भाई का भरोसा नहीं तोड़ सकता। और मेरे भरोसे का क्या, हर उस बहन के भरोसे का क्या जो अपने भाई को अपना मुहाफिज, अपना हमदर्द, अपनी अपनी चादर समझती है। नैना बीबी, शायद भाई इतने बुरे इंसान नहीं है। जो इंसान अच्छा होकर भी किसी का अच्छा ना कर सके ना, उसकी अच्छाई का कोई फायदा नहीं। साहिद भाई सवाब कमाने के चक्कर में मेरी जिंदगी को बस जहन्नम बनाए जा रहे हैं, वो भी बगैर किसी गुनाह के। और अब आप जो गुनाह करने जा रही हैं वो, जब सजा मिलनी है तो गुनाह करके मिल जाए, कम से कम मुझे ये पता तो होगा ना कि मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल रही है, क्योंकि मेरी कोई अच्छाई तो किसी को नजर ही नहीं आती। मेरी माँ की बुराई, उसका माजी मेरी मेरी सारी अच्छाई को खा जाता है। क्या सिर्फ मैं ही उस माँ की बेटी हूँ? जाहिद भाई उनकी औलाद नहीं है, तो फिर मुझे अकेले को सजा क्यों मिले?